आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। कन्नौज में कर्ज में डूबे एक आलू किसान ने उस समय आत्महत्या कर ली जब उसका आलू कोल्ड स्टोरेज से बाहर फेंक दिया गया था। किसान आलू की बर्बादी को लेकर परेशान था और दूसरों की तरह ही उसे भी सरकारी कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला था। उसी आस को टूट जाने की वजह से किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लाख कोशिश करे लेकिन प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सिद्धार्थनगर जिले में एक होमगार्ड की जमीनी रंजिश में ईंट और लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला बांसी कोतवाली के पटखोली गाँव का है जहाँ चार दिन पहले ही मृतक की गाँव के ही कुछ लोगों से हाथापाई भी हुई थी और पुलिस दोनों पक्षों को थाने भी लाई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक की पत्नी ने उन्हीं लोगों के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने इस मामले में समय रहते ही कोई फैसला ले लिया होता तो शायद आज उस शख्स की हत्या ना होती। लाल लाल पुलिस पकड़ के तब मने वो सरकारी मुकदमा भाई वो झगड़ा कई दिन पहले भाई लाल जन आज घटना बा चार दिन पहले झगड़ा बा ओमे पुलिस के का प्रक्रिया रहल झगड़ा में प्रक्रिया ये रहल कि जब पुलिस मने झगड़ा की तो आई उधर खास दी सिपाही का हल्के के सिपाही के दरखास्त दी जब तो हल्के के सिपाही बुलाइन तो इन आओ तो क्या आई ना पटौली गांव के उदयराज मौर्या नाम के व्यक्ति की तिवारी पुल के सिवान में ईट से सिर में चोट पहुंचा करके हत्या की गई है। प्रकरण के बारे में जानकारी हुई कि 11:30 बजे घर से निकले थे ड्यूटी के लिए, किसी ने वार किया, थोड़ी दूर पर उनकी मोटरसाइकिल गिरी हुई है। पारिवारिक रंजिश विवाद पहले से रहा है, थाने ने हस्तक्षेप किया था, विवाद तो मामूली था। टीम के नाम जब्त हुई है, मृतकों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है, अभियोग पंजीकृत हो रहा है, बड़े पोस्टमार्टम का दिया है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार की ना कोई सीमा होती है और ना ही उम्र, लेकिन जब अपनी सीमा और रिश्ते की हदों को पार पर कोई प्यार की राह पर चलने की कोशिश करता है तो वही प्यार जानलेवा भी बन जाता है। एक ऐसा ही वाक्या हुआ था हरदोई के गांव बेहटा धीरा का, जहां बीते कुछ दिनों पहले एक नवविवाहिता की उसकी ससुराल में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा आज हुआ है कि प्रेमी के प्यार में पागल हुई भाभी को उसके ही देवर ने मौत के घाट उतार दिया था। तो ये जानकारी आई कि ये मृतका जो है ये टणियावा की रहने वाली थी, गोपालपुर की, और इसकी शादी यहाँ बेटा धीरा में हुई थी। इसे मिलने के लिए इसका शादी से पहले का एक पूर्व प्रेमी था, अमित नाम का व्यक्ति, जो कि आया करता था, और शादी के लगभग 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इसका उनसे संपर्क लगातार बना रहा था और ये कई बार इनके घर में आता था और मृतका के ससुर और देवर पति आदि के द्वारा आपत्ति की जाती रही होगी, पर इसने अपना आना जाना जारी रखा था। घटना के दिन मृतका का पति दिल्ली गया हुआ था और ये व्यक्ति मौका पाकर, अमित नाम का व्यक्ति जो कि इसके मायके के गांव का रहने वाला था, इसके घर में फिर आया हुआ था, जिस पर इसके ससुर और देवर से इसकी मारपीट हुई उस अमित नाम के व्यक्ति की। और मारपीट के बाद चूँकि शोर शराबा हुआ, मोहल्ले के लोग भी काफ़ी इकट्ठा हो गए, जिससे कि नाराज होकर इसके देवर ने मृतका का कत्ल कर दिया। जनपद मुजफ्फरनगर में पाखंड का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें तांत्रिक के कहने पर एक महिला ने इंसानियत को भूलकर अमीर बनने की चाह में बलि देने के लिए मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया, मगर उस मासूम बच्ची की कटी हुई दो उंगली उसकी जान बचाने का कारण बन गई। आइए, थाना ककरोली में टंडेड़ा गांव से एक बच्ची, 14 महीने की बच्ची है, जिसको के गुम होने की सूचना मिली थी और उसमें तहकीकात की गई, जानकारी ली गई, तो उसके तहत भोपा के ही एक गांव ननेड़ी में ये बच्ची मिली थी और जो महिला लेके गई है वो टंडेड़ा में किसी मौलवी के यहां पर गई थी, अपना वो मिलती रहती वहां पर अपने पारिवारिक समस्याओं को लेके,
तो ये बच्ची सड़क पे ही घूम रही थी, तो ये उसको अपने साथ लेके चली गई थी। संभवतः बच्ची भी कुछ बता नहीं पा रही होगी, तो ये महिला अपने साथ ले गई थी। और ननेड़ी में जो जिनकी बच्ची गुमी थी उनके भी परिवार के लोग रहते हैं, तो उन्होंने बच्ची को पहचान लिया था। और फिर वो जब उन्होंने पता लगा तो परिवार के सदस्यों को बच्ची मिल गई थी और महिला के विरुद्ध मुकदमा भी लिखा गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। ये हमारी बच्ची बाहर मकान के बाहर खेल रही थी, 9:30 बजे वाली ना, उसको किसी ने दो औरत बुरखे वाली आई और उसको उठा के ले गई। अच्छा। गांव के करीब जो पेड़ काट रहे थे उन्होंने बताया कि कोई दो औरतें ले गई। इधर उधर छानबीन करने के बाद एक जगह से सूचना मिली कि कोई औरत ननेडी की है, वो उठा के ले गई है। वहाँ मैं पुलिस के पहुँचे, लड़की मिली और पूछताछ करने के बाद पता लगा कि वो पली वली को इनके जमीन में कोई माल दबा हुआ है, तो उसने उसकी पली देने के बाद माल निकालने की कोशिश में ले गई थी इसको। बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हत्या और लूट की वारदातें अब आम सी बात हो गई है। लूट का एक मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद से सामने आया है, जहां तीन बदमाशों ने एक शख्स की गाड़ी, मोबाइल और 12,000 रुपए लूट लिए। सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को घेर लिया। अपने आप को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी इधर से फायरिंग करी, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी, जबकि तीसरा बदमाश वहां से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल भेज दिया और तीसरे की तलाश में जुट गई है। सिकंदराबाद में लगभग रात में 1:30-2 बजे के बीच में एक आदमी रात में उनका घर जा रहा था, उसे एक आदमी के पास उनका मोटरसाइकिल छीना है और उनका मोबाइल छीना और पैसा छीना है। और तुरंत उन्होंने थाना का सूचना दिया, 100 नंबर का सूचना दिया। उसके आधार पर पुलिस ने तुरंत रात में गहरा चेकिंग लगातार जनपद में चल रहा है हर इलाका में, उसी चेक दौरान SHO सिकंदराबाद और चौकी इंचार्ज सभी लोग रास्ते में चेकिंग करने के समय मोटरसाइकिल से तीन लोग बहुत तेज तरार बाहर था, उसको रोकने के लिए प्रयास किया। वो रोकने के समय उन लोगों ने पुलिस के सामने अवैध असल से फायरिंग करके भागने का सफल प्रयास किया उन्होंने, और उन्होंने मोटरसाइकिल नीचे तोड़ के वो भागा था। पीछे पुलिस भी पीछे दौड़ के उनके साथ आमने सामने फायरिंग हुआ, उस पर दो लोग घायल हुआ है। घायल होने का हॉस्पिटल में पुलिस ने एडमिट कराया और उनके हाथ से अवैध शस्त्र पकड़ा, उनसे जो घटना में शामिल किया, प्लस वो लूटा हुआ मोटरसाइकिल भी मिल गया और पैसा भी मिल गया। और उसके साथ एक आदमी ने भाग गया और उनका भी पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित करके कार्रवाई कर रहा है। यूपी के आगरा में बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए केंद्र के साथ साथ यूपी सरकार ने खूब पढ़ो खूब बढ़ो विशेष अभियान चला रखा है, लेकिन इस अभियान को आगरा का शिक्षा विभाग ही खुद लापरवाही कर रहा है। वैसे तो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या काफी कम रहती है, लेकिन जो बच्चे शिक्षा का उद्देश्य लेकर प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें अध्यापक शिक्षा देने के बदले बच्चों को अपने कार्यों पर लगा देते हैं। इस प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के छात्र छात्राओं से स्कूल की साफ सफाई और झाड़ू लगवाया जा रहा है, यानी बच्चों को शिक्षा चाहिए तो उन्हें पहले स्कूल के काम करने होंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर में बढ़ती ठंड से राहत देने के लिए श्रीमती नीलम सिंह पत्नी पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पुलिस लाइन के सभी कर्मचारियों को कंबल बांटा गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए कुल 88 अनुचरों को कंबल वितरण किया गया है। कंबल वितरण कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्र, क्षेत्र अधिकारी सदर दिलीप सिंह, प्रतिसार निरीक्षक CB सिंह और PRO आलोक कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। वहीं पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते ही रहते हैं और इसका फंड ACF से कल्याण निधि द्वारा पुलिस विभाग को समय समय पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दिया जाता है। वहीं अनुचरों ने पुलिस अध्यक्ष की इस पहल से काफी प्रसन्न दिखे। बहुत अच्छा मैसेज आएगा और छोटे कर्मचारियों के ऊपर साहब विशेष ध्यान देते हैं। ठंडी को मौसम को देखते हुए साहब ने ऐसा कार्यक्रम किया, तो ये मतलब सराहनीय कदम है साहब का। जी सराहनीय कदम, इसके पहले भी पार हुआ, इसके पहले भी साहब जो आते थे वो दिया करते थे। जी ये SAF से कल्याण निधि से समय समय पर पुलिस विभाग द्वारा फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को दिया जाता है,
जैसे दिवाली दशहरे के टाइम पर हम लोगों ने टिफिन दिया था जिसमें कम्बल, फिर 26 जनवरी को विचार करके कमेटी विचार करके देती रहती है। आखिर प्रशासन संवेदनशील मामलों में भी लापरवाही क्यों बरतता है? क्या किसी भी विवाद के बढ़ने पर प्रशासन की नींद खुलती है? ऐसा ही एक मामला मऊ जिले के मठ मोहम्मदपुर गांव का है, जहां शरारती तत्वों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को 5 दिन पहले क्षतिग्रस्त कर दिया था। सूचना के बाद भी प्रशासन ने वही डुलमुल रवैया इख्तियार किया। हंगामे के बाद घटना स्थल पर प्रशासन भी पहुंचा, जनता को समझाया भी और प्रतिमा को दुरुस्त कराना शुरू किया। तो सुना आपने, प्रशासन को 5 दिन पहले ही ग्रामीणों ने सूचित किया था, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। शायद वो किसी हंगामे का इंतजार कर रहे थे और उनकी मुराद पूरी भी हुई। कैसे टूट गई थी? मठ मोहम्मदपुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पे एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति कुछ अराजक तत्वों द्वारा सूचना पे और कैसे हैं सर, स्त्री वगैरह को लेके आए हैं, उसको हाल क्षतिग्रस्त भाग दिया गया है। गाँव वालों के अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसमें सबों पंजीकृत किया जा रहा है, जो दोषी है उनके विरुद्ध विवेचना करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को सूचित नहीं किए थे, फिलहाल हम ग्राम प्रधान से कहे थे, वो कहे थे कि बनवा देंगे, जब 5 रोज हो गए देखे कि नहीं बन पा रही है तब हम लोग उग्र हुए हैं। प्रशासन ने 100 नंबर जो है दिया है लोगों के लिए सुरक्षा के लिए, आप 100 नंबर डाल करें, छोटा मोटा काम है ग्राम ही प्रधान से हल हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग प्रशासन को सूचित नहीं किए। तो क्या वजह की सूचित करना पड़ा, क्यों देखे कि नहीं बन पा रहा इसलिए फिर सूचित करना पड़ा दोबारा। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र छाता में पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस ने NS2 पर लूट करने वाली एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया। आप अपनी स्क्रीन पर पुलिस हिरासत में जिन लोगों को देख रहे हैं, ये उसी गैंग के लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय थे। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद किए हैं, जो के बरसाना रोड पर जो है एकत्रित है और जो ट्रकों से लूटपाट की घटनाएं किया करते हैं। इसी सूचना पर इनके द्वारा जो है दबिश दी गई, 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। ये लुटेरे, इन लुटेरों का नाम है आकाश है, एक जो है बाबू है, एक पंकज है और एक अनिल है। ये सभी छाता के रहने वाले हैं और इनको, इनसे जो है 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं तथा इनसे 2 तमंचे बरामद हुए तथा भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। क्या पहले भी कोई इनका क्रिमिनल इतिहास? हाँ, इनका जो है पहले का क्रिमिनल इतिहास तो नहीं है, बाबू का है, उसके बारे में पता कर रहे हैं। और बाकी के ये जो क्रिमिनल हैं, ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये ट्रक चलते हुए ट्रकों को रोक करके और उसे ड्राइवर से जो भी मिल जाता था, 5,000-10,000 जो भी पैसा मिलता था उसको लूट कर ले जाते थे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर है वो, उनका गंतव्य बहुत दूर तक जाना होता है और वो प्रथम सूचना पंजीकृत कराने में जो है संकोच करते हैं और अतः इनके विरुद्ध जो है प्रथम सूचना पंजीकृत नहीं हो पाती है। किंतु ये काफ़ी दिनों से ये सक्रिय थे, कल इनको 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया है और इनको आपराधिक गैंग के रूप में रजिस्टर कराया जाएगा और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारत में जनता की हालत धोबी के कुत्ते की तरह है, जो ना तो घर का होता है और ना ही घाट का। जनता से नेता मंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो सभी वादे धरातल पर या तो बेहोश नजर आते हैं या फिर हवा हवाई। कुछ ऐसा ही हुआ आगरा के सरकारी जिला अस्पताल में, जहां अस्पताल के कर्मचारियों का नया कारनामा सामने आया है। बता दें कि आगरा के जिला लेडी लायल अस्पताल में कर्मचारी मरीजों से अवैध वसूली कर रहे हैं और इस अवैध वसूली को चाय और मिठाई टैक्स नाम दिया है। बता दें कि अस्पताल में प्रसूताओं से सकुशल प्रसव कराने के बाद मिठाई और चाय के लिए पैसे मांगे जाते हैं और इन पैसों को नाम देते हैं कि ये मिठाई और चाय टैक्स है। साथ ही तीमारदार ने बताया कि प्रसव के बाद पुरुष कर्मचारी मरीजों के साथ गलत हरकतें करते हैं। जब इस मामले में लेडी लायल की प्रमुख अधीक्षिका
आशा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया। साथ ही 8 दिन में जांच के बाद कार्रवाई की मांग की बात कही है। आप यहाँ आई हैं क्यों आई हैं? डिलीवरी के लिए। सरकार ने योजना चलाई है, किस तरह की योजना है? सही है। नहीं, यहाँ पर जैसे आप लोग आए तो किसी ने, जैसे आप बच्चा आपकी डिलीवरी हुआ है तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया? बढ़िया दिया? अच्छा दिया? हाँ, अच्छा दिया है। पैसे वैसे की मांग की? नहीं। चाय पानी की मांग की? बस हम तो अपनी खुशी से रह दिए, हमारे बेटी हुई है। आपकी बेटी कितने पैसे? उन्होंने मांगा नहीं था, हमने दे दिए 100 रुपए। हमारी शिकायत ये है कि हमारे लड़के की बहू के जो बच्चा हुआ था तो यहाँ के एक स्वीपर कर्मचारी ने रात को आके करीबन 1-1.5 बजे जाके जो है लेडीजों के साथ में बदतमीजी की और छेड़छाड़ की, उसकी शिकायत की। शिकायत करने पे इन्होंने कमेटी बैठा ली, कमेटी बैठा के इन्होंने जो है उसे ट्रांसफर कर दिया, एक वेतन बद्दी रोक दी, मामला खत्म कर दिया। जबकि उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे मामले कई उठ चुके हैं मगर यहाँ पे जो मेडिकल डिपार्टमेंट कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा है। मतलब मिल तो रही है, ठीक से मिल पा रही है। आपके मतलब जो भी ये बच्चे हुए हैं उनको ये परिजन है जो, तो क्या यहाँ पैसे वैसे की मांग की? नहीं नहीं, पैसे मांगे चाय पानी के नाम पे कुछ दिया जाता? कुछ भी नहीं। क्या है? कुछ मरीजों की शिकायत अखबार में छपी थी, उसका संज्ञान लेते हुए हमने स्वयं वहाँ पर राउंड किया, मरीजों से पूछा कि आपने किस किस ने कितने पैसे दिए, उनकी एक लिस्ट बना के मेट्रन के थ्रू सारे पैसे उन लोगों के फिलहाल के लिए हमने लौटलवा दिए हैं प्रत्येक मरीज के। उसके अलावा 3 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के को मिलाकर एक हमने एक जांच कमेटी बनाई है, डॉक्टर कल्याणी मिश्रा, रेखा गुप्ता, डॉक्टर शैली सिंह। 8 दिन के भीतर वो हमें रिपोर्ट देंगी कि उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, और जो जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उसमें कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।